नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन क्विक फिक्स टेक। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट रविंदर सिंह। दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई खत्म। आज जो है मंडे है, मैंने जैसा कि वादा किया था कि मंडे को मैं रिवील कर दूंगा कि मेरा जो ये आप बॉक्स में बड़ा सा बॉक्स है इसके अंदर क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो आज मैं आपको ये बॉक्स अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, कहने का मतलब क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। दोस्तों ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, फटाफट आपको अनबॉक्सिंग की तरफ ले चलते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो है बैटरी की अनबॉक्सिंग करते हैं, बैटरी खोल के दिखाते हैं, उसके बाद फिर इसका नंबर आएगा। तो पहले बैटरी खोल लेते हैं 200 AH की इलेक्ट्रोवर। तो मैं आपको पहले बैटरी दिखाता हूँ, इसको साइड में करते हैं। ये हालांकि थोड़ी हल्की है, ये ईस्टमैन की बैटरी से जो है, ईस्टमैन की बैटरी तो मेरे से अकेले से हिल भी नहीं रही थी इधर उधर, बट इसको मैं जो है इधर उधर सरका पा रहा हूँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं। चलिए ज़्यादा वेट ना करवाते हुए इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो बैटरी का पैक खुलते ही सबसे पहले आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा, देखने को मिलेगा, और इसमें जैसे कि 36 महीने की वारंटी है। तो उसके बाद आपको जो है इसके वाटर लेवल के ये इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, फिर उसके बाद बैटरी होगी। तो बैटरी को फटाफट हम निकाल लेते हैं। तो ये बैटरी बाहर आ गई है, पन्नी भी निकलवा दे पन्नी। आधी टेढ़ी दरवा दे। ये तो काफ़ी हल्की है, मेरे ख्याल से 60-65 किलो की है, बट ये जो इसमें रखी है ईस्टमैन की, ये 85 और 90 के बीच में है इसका वजन। तो इसको मैं अकेला भी उठा पा रहा हूँ, तभी ये सस्ती भी है इससे। तो फिर पर दोनों 200 AH की है, और मेरे को थोड़ा सा डाउट ये है कि जब ये पहले चार्ज हुआ करेगी और ये नहीं हो पाया करेगी तो इसकी ग्रेविटी डाउन हो सकती है। तो वैसे मेरा सजेशन है सभी को कि दोनों ही बैटरियाँ एक जैसी कैपेसिटी की ही लगानी चाहिए, इस तरह का नहीं लगाना। कैपेसिटी खैर दोनों की 200 AH ही है, बट फिर भी फ़र्क तो है, और ये फ़र्क ना हो वही अच्छा रहता है, इसलिए दोनों सेम ब्रांड की ही बैटरियाँ लगाएं, मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रोवर की और एक ईस्टमैन की लगा रहा हूँ, ऐसा करना जो है मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। कानूनी अपराध नहीं है, हो सकता है नुकसान उठाना पड़े। तो इसके फटाफट मैं इंडिकेटर्स भी लगा देता हूँ, और ये शायद यहाँ कसे जाएंगे ना, ये ना, हाँ तो कसवा फिर।
तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर भी लगा दिए गए हमने। इसके साथ ये ग्रीस का एक पाउच मिल जाता है जो कि इसके टर्मिनल्स पे लगाया जाएगा ताकि जो इस पे वो सफ़ेद सफ़ेद सी आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको, उसको अब तेजाब सा ही होता है वो ना आए। तो बैटरी को साइड में कर लेते हैं, बैटरी आपको दिखा दिए, बैटरी पे आपको ब्रांड नेम दिख दिया इलेक्ट्रोवल मिल्क और उनका स्लोगन है मिलकर करें जहां रोशन। 36 मंथ की वारंटी है, 200 एच की बैटरी है, तो C10 है मतलब कि सोलर है तो C10 ही होती है और यहाँ पर लिखा हुआ है C10 एट 27 डिग्री। मेरे ख्याल से ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इतनी दूर से, तो मैं कैमरा मैन को कहूँगा थोड़ा सा पास को ले रहे कैमरा, यहीं लिया कैमरा। बस टच कर दे तो ये ईस्टमैन मिलकर कहा करे जहां को रोशन और 36 मंथ की वारंटी 200 एच C10 एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो यही कुछ है इसमें, बाकी देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है इसकी। तो इसको करते हैं अभी साइड में और अपना PCU खोल के देखते हैं किस तरह का है। तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो था वो PCU का ही था, तो चलिए तो इसको अनबॉक्सिंग करने का मैं जो है सही तरीका बताता हूँ। इसको जो अनबॉक्स हम करेंगे ऊपर से नहीं नीचे से, इसको उल्टा कर देंगे तभी सही अनबॉक्सिंग होगी इसकी। बस तो बॉक्स पे सिर्फ आपको ये दिखेगा और ये जाना माना बॉक्स होगा आपने, हालांकि ये इस पे टेप लगी आती है। एक फ्री मिला इसमें हमें पेच, तो ये थर्माकोल और फोम टाइप का ये आपको इसमें मिलेगा। अच्छा, इसके नीचे इसमें एक और अच्छी बात है कि पहिए लगे हुए हैं, तो हमारी जो टेंशन थी कि नीचे ट्रॉली रखें क्या रखें, क्योंकि ये भारी काफ़ी है तो इसको सफाई वफाई करते समय इधर उधर करने में दिक्कत आएगी, तो हमने सोचा था कि कुछ इस तरह की ये ट्रॉली यूज़ करेंगे, बट अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि इसमें पहिए दिए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके जो साथ हमें मिला है सबसे पहले देखने को, ये हमें एक कनेक्टिंग वायर मिली है जो जंपर केबल बोल सकते हैं इसको, जो डबल बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट करने के काम आएगी, जैसे कि माइनस और प्लस को एक साथ जोड़ेंगे इसके वायर के थ्रू, तो ये उसके लिए है। और फिर हमें ये मिल जाती है दो केबल रेड एंड ब्लैक जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है, काफ़ी मोटी है और ये 1 मीटर की लेंथ है इनकी और 10 mm की ये केबल है, तो काफ़ी अच्छी वायर मिल जाती है हमें, काफ़ी भारी भी हैं, कॉपर की हैं और ये तो बहुत ही अच्छा इसके साथ वायर मिलता है। अभी ये इन्वर्टर जो है ये PCU है, सोलर PCU और काफ़ी भारी भरकम है, तो इसको अब हम वापस से उल्टा करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको जो है ऐसे इधर को लुटा उधर करके, पहले अपनी साइड, हाँ उधर, बस अब धीरे धीरे आने दें। बस चलिए तो ये लीजिए, सस्पेंस ख़त्म, गंगाधर रिवील होने वाला है। इसी में डाल थर्माकोल वगैरह, इसे पीछे पहुंचा दे। अच्छा, वो रह गया थर्माकोल, तो काफ़ी अच्छी पैकिंग करके दी है
काफ़ी सारे चारों तरफ से इसमें थर्माकोल ये जो है फोम ये लगा के दिया, अच्छी क्वालिटी की फोम है। और अब जो है इसमें हमें ये इसका यूज़र मैनुअल मिलता है और साथ ही इसमें वारंटी कार्ड है जिसके साथ हमें 2 साल की वारंटी मिली है। तो ये इलेक्ट्रोवर्क कंपनी का यूज़र मैनुअल है और ये दोस्तों जो है इलेक्ट्रोवर्क का विराज मॉडल है 2.5 KVA 24 वोल्ट में गंगाधर है। तो अभी इसको और अनरैप करते हैं, दिखाते हैं। चलिए अभी आपको आपने फ्रंट देखा और अच्छे से देख सकते हैं इसका फ्रंट और देखकर आपको ऐसे 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 तो इसके पहिए काफ़ी अच्छे हैं, बड़े आराम से इधर उधर मूव हो रहा है। तो अभी आगे लिया कम कैमरा तुझे, बल्कि ना तू वैसे देगा, तुझे तो यहीं से देखना है तभी वीडियो सही से बनेगी, ताकि जो तू देख रहा है वही कैमरे को दिखना चाहिए। तो ये इसका फ्रंट देख रहे हैं आप, विराज MPPT का 2.5 KVA। ये दोस्तों काफ़ी दानदार PCU है, पूरे घर का लोड बड़े आराम से उठा लेगा, क्योंकि मेरे घर का लोड जो है मैक्सिमम जो है 1200 वॉट के करीब जाता है। तो उसे डबल कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना पड़ता है। अगर आपका 1000 वोल्ट का लोड है तो आपको डबल कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना ही चाहिए, तभी आपका आराम से पूरे घर का लोड चल पाएगा। तो ये 2.5 KVA का है और मैक्सिमम जो इसके ये उठाएगा लोड वो 2200-2300 वोल्ट तक ये आराम से उठा लेता है। तो मेरा जो 1200-1300 वोल्ट का जो भी लोड है बड़े आराम से चलता रहेगा बिना बिजली की ज़रूरत के। तो उसके लिए मुझे पैनल लगाने पड़ेंगे और ज़्यादा, क्योंकि अभी 800 वोल्ट के करीब मेरे पैनल हैं, तो वो कम हैं, मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। पर ये PCU आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप फ्रंट में ऑन ऑफ का स्विच, और ये कैलिब्रेशन करने के लिए पैनल दिया हुआ है जिससे कि आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, चार्जिंग वगैरह एम्पियर वगैरह और ग्रिड चार्जिंग एनेबल डिसेबल सब इसी में दिया गया है। अभी यहाँ पर जो इंडिकेटर्स देख रहे हैं ये UPS ऑन का है, ये चार्जिंग का है और ये बैटरी का है, बैटरी चार्ज ऑन है और मेंस का है ये, और ये है ओवरलोड का। और बाकी इसमें जो है सब कुछ आपको, इसकी काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, डिजिटल डिस्प्ले है, और इसको जो बोला जाता है एनर्जी मीटर, ये इसमें इन्होंने एनर्जी मीटर लगा रखा है। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ इस डिस्प्ले पर मिल जाएगी, कितने वोल्ट जनरेट कर रहा है, कितने वोल्ट और एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है और कितने वोल्ट्स आपको जो है कंज्यूम हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको बड़े आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसका दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं 2.5 KVA 24 वोल्ट कॉपर, ये प्योर कॉपर का है दोस्तों ट्रांसफार्मर। आपने इसको जो है खास करके यही बताकर इसको बताया जाता है कि प्योर कॉपर है, इसकी सबसे बड़ी खासियत प्योर कॉपर है, इसीलिए इतना लोड बेयर कर पाता है। तो मॉडल का नाम लिखा हुआ है 2.5 KVA 24 वोल्ट DC कॉपर। बाकी नेट क्वांटिटी और ये क्या है, सोलर रेंज VOC 35 वोल्ट मिनिमम और 90 वोल्ट मैक्सिमम। तो ये 90 वोल्ट तक इस पे आप सीरीज में दे सकते हैं, पैनल लगा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रेंज मिल जाती है आपको। और इसमें इसका जो वज़न लिखा हुआ है 39 किलो वज़न है और मेड इन इंडिया है, ये देसी है दोस्तों, अपना फैक्ट्री में ही पूरा असेंबल हुआ हुआ है, मुंडका में इसकी फैक्ट्री है। यहाँ पर आपको फ़ैन मिल जाता है काफ़ी बड़ा सारा, जो कि इसकी सारी हीट को बाहर फेंक देता है। ये रोटरी स्विच, और ये पूरा का पूरा आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर MCBs मिल जाती हैं, ये MCB सोलर की है, यहाँ सोलर कनेक्ट होंगे माइनस और प्लस। ये आपका MCB बैटरी का है, यहाँ बैटरी के तार कनेक्ट होंगे, और ये जो है मेंस का है, यहाँ पे मेंस कनेक्ट होगी, और ये आउटपुट का है, यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं। तो ये भी आपने बैक ज़रूर देखा होगा, यहाँ से अर्थिंग का आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं, अर्थिंग दे सकते हैं। तो ये यूं का यूं आप देख चुके हैं पर किसी और नाम से। ये रोटरी स्विच इसलिए दिया जाता है, अगर कभी आपका जो PCU में कोई दिक्कत आती है तो आप बाईपास पे करके घर का लोड डायरेक्ट चला सकते हैं, और जब आपका इंजीनियर इसको ठीक कर जाएगा तो फिर आप इस पर
कर देंगे। और इधर को इस साइड है लोड, तो ये लोड पे आ गया और यहाँ पर बंद, बिल्कुल ऑफ, तो ऑफ ही रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ ये कॉम पोर्ट मिल जाता है, इससे आप जो है फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप कनेक्ट करके डाटा सारा इसका आप देख सकते हैं अपने फ़ोन कंप्यूटर पर। केवल जिस तरह से हम इस UTL Gamma Plus में ग्रिड चार्जिंग एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी इसकी डिस्प्ले में ही दे दिया गया है। तो ये देख रहे थे आप 2.5 KVA 24 वोल्ट सोलर PCU, जो कि काफ़ी जानदार PCU है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MPPT का स्टिकर। अब मैं कैमरा दे देता हूँ, तो काफ़ी बड़ा साइज में है, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, और जितना बड़ा है तो उतना ही दमदार है। तो चलिए अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे इसकी कैलिब्रेशन वगैरह, डिस्प्ले वगैरह। फ़िलहाल मैं इसे जो है कनेक्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कैसा ये डिस्प्ले आता है, क्या कुछ परफॉर्मेंस दे रहा है, और लोड वगैरह सब चेक करेंगे। तो मिलते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, दोस्तों था ना लाजवाब। तो दोस्तों अब जो है आपने देखा इस इन्वर्टर को, इस PCU को, जो आप इसके बारे में जानना चाहेंगे, इसके फीचर्स, इसको अच्छे से देखना चाहेंगे, बड़ी डिटेल्स में वीडियो चाहेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी थी। तो इसलिए मैं इस चीज़ को नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊँगा आपको, तो बड़े ही डिटेल में बनाऊँगा इसकी डिस्प्ले में क्या क्या आता है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या कैलिब्रेशन इसमें हो जाते हैं, तो वो सब बड़े ही बारीकी से और बड़े ही डिटेल में आप देखने वाले हैं हमारी आने वाली वीडियोज़ में। तो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन होगा, अब तक आपने जितने वीडियोस इस PCU के बारे में देखी हैं वो इतने डिटेल में नहीं देखे हैं, जल्दबाजी में ही लोग बताते हैं, 10 मिनट के अंदर उन्हें वीडियो ख़त्म होना करना होता है, पर हमारा ऐसा कुछ रहता नहीं है। हमें जो है, क्योंकि मैं खुद ये वीडियोस देखता था इस PCU की, तो मेरे को बड़ी जो है सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाती थी, कि छोटी सी वीडियो में थोड़ा बहुत बता दिया और फटाफट हटा दिया। मैं इसको नज़र भर कर देखना चाहता हूँ, तो अब तो मैंने ले लिया है, तो आप इसको नज़र भर कर देख सकते हैं और इसके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस इसी पर होती रहेंगी। बाकी आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं, जिस तरह की आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से वीडियोज़ भी बना करेंगी। तो वीडियो आपको आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस जो इसकी पर वीडियो आने वाली है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब के बटन को रेड को ब्लैक करना होगा और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा। तो बस ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, जल्दी जल्दी इस पर वीडियो अब आने ही वाली है। हर दूसरे तीसरे दिन जैसे मेरे को टाइम मिलेगा फटाफट आ जाएंगे, बट जो नेक्स्ट वीडियो है वो 2 दिन बाद आपको इस चैनल पर मिल जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों अभी दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।